हौसला और हिम्मत बुलंदी बताप, हौसला और हिम्मत बुलंदी बताप, सर के सरिया बधाए कफन के लिए, फूल बनकर खिले कांट पर ही चले, मिट गए हंसते हंसते वतन के लिए, वे आजादी के दीवाने थे साहसी, जुर्म सहते रहे गोरी सरकार के, पर गुलामी न स्वीकार हर दिन किए, चढ़ गए फांसी पे वीर ललकार के। तरज बदल गई, वाह कवन तरज, तरज बा कि अरे बिगड़ी मेरी बना जा, अजमेर वाले खा जा, करम दिखा जा, सुना हो सर पीरों की निकली टोली, आजादी के दीवाने, जय हिंद बोले बोली, आजादी के दीवाने, जय हिंद बोले बोली, आजादी के दीवाने, जय हिंद बोले बोली, आजादी के दीवाने। एक जमाना रहल अंग्रेजी शासन रहल, ए देश का हालत का रहल, कि वह वक्त गुलामी का था, वह वक्त गुलामी का था, रोती थी भारत मैया, अरे तूफानों से टकराती डगमगती हिंद की नैया, भारत माता जंजीरों में जकड़ी तड़प रही थी, कोई बहादुर पैदा हो और आजादी को लावे गुलामी को तोड़े, उसी समय फांसी से जब ललकारा, वह वीर भगत सिंह बागी, अरे उठ गई लहर क्रांति की, जन जन में चेतना जागी, एक आवाज पर भगत सिंह के फांसी के फंदे से जब ललकारा, ए भैया निकले पन वीर लड़ा के, बलिदान जान निज करने, तुद मुहे सपूत मां के, ए भैया छोटा छोटा बच्चा जेकर दूध कभी दांत ना टूटे, निकल पलन देश सेवा में, पटना सचिवालय पर झंडा फहरावे में 10 साल के नीचे ही सब रहल, ए भैया और कोने कोने हिंदुस्तान के कब्जा के लेन अंग्रेज, लेकिन एक जगह बच गई ललका, झांसी के किले के ऊपर जब गोरे नजर गड़ाए, राजा गंगाधर मर गए, रानी को खबर भेजवाए, झांसी का किला आजाद रह और अंग्रेजन का नजर वही किले पर रह, तो राजहस किले के वारिसदार राजा गंगाधर के अंग्रेज धोखे से मरलन, और रानी लक्ष्मीबाई के चिट्ठी लिखलन कि रानी किले का वारिसदार खत्म हो गया, और किला मेरे हवाले करके मेरी गुलामी स्वीकार कर लो, कि भेज दिए अंग्रेज पत्र, बढ़ गई फिकरिया, रानी के हो बढ़ गई फिकरिया, रानी के हो बढ़ गई फिकरिया, पत्र बढ़ गई फिकरिया, रानी के राजा मर गए, राज खत्म है लागल खबरिया, रानी के अंग्रेज लिखलन चिट्ठी में कि पूरब से पश्चिम तक मेरा राज है, ये झांसी किला बीच में आजाद कैसे रह गए, पूरब पश्चिम राज मेरा
अब गुलामी मेरी स्वीकार कर दो, झांसी का किला है आजाद कैसे यही भाई लाल नजरिया रानी के मत। सही हो, वाह भाई वाह। चिट्ठिया रानी पढ़ थी अंग्रेजन के सब जवान सिपाही लोग, रानी के वीर सिपाही लोग पूछते हैं कि रानी कैसा पत्र है, कल के अंग्रेजन का पत्र हो, कहे का लिखलवा तो बताओ। लगे लेके तर्जमा यहाँ पे, अरे तरह में भेजली न चिट्ठियो पठावता, कहीं अगर बदल यही जून में चुकावता मुआवता। झांसी की लवा पर नजर गड़वले बा, झांसी की लवा पर नजर गड़वले बा, झांसी की लवा पर नजर गड़वले बा। कोना कोना देशवा कैला बर्बाद हो, किलावा झांसी वाला मोरा रहल आजाद हो, गुलामी स्वीकार करब चिट्ठिया पठवले बा चेतवले बा, झांसी किला वापस नजर गड़वले बा। लिखल बा चिट्ठिया में कि किला हमारे हवाले करके और गुलामी स्वीकार कर लो। किले गवारीदार राजा गंगाधर मारे गए और जब किला लावारिस हो गया तो किला मेरे हवाले करके मेरी गुलामी स्वीकार कर लो। ये बात जब चिट्ठिया में लिखल बा तो जवाब एकर का दिया ही, कोई जवाब दिया ही कि गुलामी स्वीकार कर ली। सब बहादुर सिपाही कहते कि रानी जवाब दीजिए, लिख दीजिए चिट्ठी में कि अरे तलवार खून की प्यासी है मेरी, झांसी किले में गूंजी जय दुर्गे ललकारी, झांसी किले में गूंजी जय दुर्गे ललकार, तलवार खून की प्यासी है मेरी, झांसी किले में गूंजी जय दुर्गे ललकार। एक स्वर से जवान ललकार उठे, हम धरती के हम राही हैं, अरे ठोकर में मौत को रखते हैं जो सच्चे वीर सिपाही है। रानी चिट्ठिया में लिख दा कि माटी में हिंद के बसते हैं और लहू भी हिंदुस्तानी है, राजा पर लोग सिधार गए अभी वारिस झांसी की रानी है। चिट्ठी में लिख दा कि माटी में हिंद के बसते हैं, लहू भी हिंदुस्तानी है, राजा पर लोग सिधार गए अभी वारिस झांसी की रानी है। अरे धमकी से तेरे गीदड़ भड़ुए होंगे जो वही डर जाएंगे, ऐलान जंग का सुन के यहाँ मुर्दे भी लड़ने आएंगे। हिंदुस्तान का मट्टी हो अभी तमन जियत है, ए माटी में गाड़ल मुर्दा उठ के लड़ जाए लेकिन गुलामी स्वीकार ना करी। अंग्रेजन के पत्र गए गोरो ने पढ़ा, जब रानी का यह जोश भरा परवाना है, अरे झांसी का किला तो दूर रहा तुम्हें हिंद छोड़ कर जाना है। झांसी तो बड़ी छोटी जगह, हिंदुस्तान खाली करके पड़ी, ऐलान जब करके ये चिट्ठी लिखल गई, जो चिट्ठिया अंग्रेज पढ़लन जब कलन के हई सुना, हम सजली मेहरारू का जात बा गुलामी स्वीकार कर ली, लेकिन ये तो बड़ा खर चिट्ठी भेजले बा, घेर लो किला झांसी का और जिस किले पर भेनाद है उसे मार के शमशान बना दो। अंग्रेज तैयारी करने लगे किला घेरे की और किला में बहादुर जवान राय करने लगे, चिट्ठिया हमन बड़ा चिट्ठिया तेज हमन भेज दे ले ही, जवाब बड़ा खराब भेज ले ही, जब अंग्रेजवा यही जरूर एलिए तैयारी कर ला, तैयारी कर लड़ा भेड़े कर और तरज बदल गई। तरजू है बाप ए भैया, बाप धन्य हुआ एक तरज भाई भोजपुरी फिल्म कर, फिल्म वाला ना जानी का लिखले बाप ओकर औरत हमारे समझ में आये ना, हम गा देते आप लोग अर्थ लगा लिया का लिखले बाप
कि गज भर कर, अरे गज भर कर गुजारिया गजब कर हो। हम बुलाई लजब अब तब कुर ये तरज वाले किन गाना का भावा कि सज गई ले के सारिया जवाना वन कना आपस में राय करे लगलन कि साथियों बड़ा दिन खा के आराम कैला, अरे सजग रहा वीर हो के रण खेला, आया गईली बलया जमाव वाली बेला, भैया बाबा तैयार हो गए बहादुर जवान लोग, और जेकर जवान समान रह अपन अस्त्र शस्त्र ठीक कर लगल, तलवार वाला तलवार ठीक करे लगलन, भाला वाला भाला ठीक करे लगलन, रानी का तोप चला वाला बड़ा चतुर तोप ची रहल गौस खान किले के ऊपर अपन तोप ठीक करे लगल। और जब गौस खान तोप किले पर ठीक कर रहा था, देख रहा है कि तमाम अंग्रेज किला के आरी आरी घेर रहल, तब गौस खान कहा कि समय आ गल, समय आ गल, अतर जो है बा ए भैया ए गंगा जमुना सरस्वती, अरे साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है, कहता है गौस खान कि अरे झांसी में गूंजी ये आवाज है, अरे रखना वतन की लाज है, झांसी में गूंजी ये आवाज है रखना वतन की लाज है, झांसी में गूंजी ये आवाज है रखना वतन की लाज है। पढ़कर के पत्र पापी पूरे बौखलाए हैं, करके ये लान झांसी किला घेरवाए हैं, अरे घेरे किले को दगाबाज है। एक लाइन व्यंगात्मक भावा, भारतवासी जवान के दुल्हा अंग्रेजन के दुल्ही, दुल्हा के सरिया रंग साज है, दुल्हा के सरिया रंग साज है, और दुल्हन का गरम मिजाज है, तरह। ए भैया
भारतवासी जवान केसरिया रंग ललत, सिर पर कफन बांध ललत, या तो अंग्रेजन के मारल जाए नहीं तो चल के जान दे दो, लेकिन अपने जिया धरती के गुलाम ना हो दो जी। ये तय के लेके रूप का रहल, अरे कुदे जंग में रण जंगी नारे सवा दे सवा जाईला, आ कुदे जंग में रण जंगी नारे सवा दे सवा जाईला, और रंगे केसरिया तन वीरन के भे सवा दे सवा जाईला, रंगे केसरिया तन वीरन के भे सवा दे सवा जाईला, रंगे केसरिया तन वीरन के भे सवा दे सवा किले के ऊपर गौस खान की तोप गलती सोला हो, ऐलान कर हरन का, अरे माई का सेवा जी नहीं जान, आ माई का सेवा जी नहीं जान, जे के नहीं वतन से प्यार, खाकी वर्दी का मान न जान, भैया रानी लक्ष्मीबाई मर्दाने भेष में तलवार लेके घोड़े पर जब निकली, संगे पैदली सेना मार मार के अंग्रेजन का छक्का छोड़ा देनी, और किला से किले के ऊपर गौस खान की तोप वो गोला बरसाया कि अंग्रेज पीछे हटे लगलन भागे। उसी समय अंग्रेजी सेना पर जो कमांड कर रहा था आदेश दिया कि भागो मत, लड़ाई का विधान बदल दो। कौन विधान बदल लस? कि किले के आगे मंदिर मस्जिद वही में घुस करके पत्रकार धर्म की आड़ से छिप के लड़ते। किला के सामने एक मंदिर और एक मस्जिद, तो आदेश किया अंग्रेज कि आधा सिपाही मंदिर में चले जाए आधा मस्जिद में, दो भाग में बट करके पोजीशन ले लो। आधा अंग्रेज मंदिर में हो गया, आधा मस्जिद में, और वहीं से पोजीशन ले लग। रानी के सिपाही अब मंदिर की तरफ बढ़े तो भी मारल जाए, मस्जिद की तरफ बढ़े तो भी मारल जाए, बेकाबू हो गए। और गौस खान किले से देख रहा, आह आज हमार रानी के साथ के जितना सिपाही हूं ये मारल जी है नगर ते धरती गुलाम हो जाये, तो सोच रहा है किले से। खान तब चढ़ के किलावा से, अरे बैरी दल मंदिर मस्जिद में घुसल तनी सा बढ़ा दा, अरे बैरी दल मंदिर मस्जिद में घुसल दिखता सब जाई है नसार, अरे मातृभूमि हमारी गुलाम होई जाई है। सोचे लगल अगर धरती गुलाम हो जाई ए माटी में जन्म लेना ए माटी में बसना धिक्कार हो। कहलन का कि अरे माफ कर देना खुदा अपने बंदे को, ना ना अरे सरियत नमक
खान किले पर तोप लिया हाथ में और कहा कि या खुदा मुझे माफ कर देना, मैं अपने वतन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और कहा कैलन कि तोपिया का मुहावा तब देहल घुमाल और बरसे लागल गोला बन के सोला तोपिया से और ढही गई ना मस्जिद गई ना पैरी दर दबा मारा भर के गोला दनादन 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 मस्जिद के साथ अंग्रेजी सिपाही ध्वस्त हो गए। आधा खत्म हो गए, आधा चल गए मंदिर में। अब मंदिर की तरफ तोप घुमा दल, अरे मंदिर पर घूमा वाला तो हाथ रुकी गई लग। घुमौलन जब मंदिर पर तोप तो थोड़ा हाथ रुक गए उनकर, अरे रानी ललकार गौस खान के सुना कि मारो मारो जान पहले पैरी के मारो जान पहले बारी को मारो, अरे पीछे देव मंदिर मस्जिद बनावा वही के वतन से धर्म नहीं बात। रानी ललकार रही कि गौस खान हाथ क्यों रुक गया बहादुर जवान, अरे पहले वतन की रक्षा कर लो, इसके बाद हम धर्म की रक्षा करके दिखा देंगे। ए भैया अरे दन दन तोपिया दहली गोला परसा कोरन का सिपाही एक पीछे से छिप गए तहले गौस खान पर गोलियां चला और आखिरी समैया में भी छोड़ल नहीं मतिया जाते जाते वो नहू के दहले उड़ा। अरे बंदे मातरम के नरवा लगा ए भैया जे समय बहादुर जवान अंग्रेजों को खत्म किया किले पर विजय का झंडा उड़ा रहा था इनकलाब जिंदाबाद बोल रहा था और एक सिपाही बच गया ललक वो पीछे से छिप के मरलस गोली भर के गौस खान के। लेकिन जब गोली लगल जवान के समझत दरी ना लगल कि गोली कहाँ से आई लह और एक सिर्फ अनुमान पर ही तोप जो घुमा के मरल वह की जो गोली मरल है उनका धज्जी धज्जी उड़ गई। लेकिन अपने भी गिर गए जमीन पर। इनकलाब जिंदाबाद बंदे मातरम का नारा जब लगाया है रानी पास में आ गई और गोद ले ली सिर ले ली गोद में और कहली कि बहादुर जवान आज मेरा दहिना बाजू टूट रहा है, अरे अपने वतन की कर रखवारी आज तेरे बदौलत किले पर विजय झंडा लहरा रहा है। अपने वतन की कर रखवारी बन के सच्चा वतन पुजारी अरे अपन दहला जिंदा गानिया वतन गौस खान अमर शहीदी गाना हम गाएंगे इरणी मही के जन्म जन्म हर जन्म में हम आएंगे भारत माता के सरनिया वतन के दिलावा। अरे रानी हंस के विदाई दो, ये अंतिम समय में बहादुर जवान को आंसू गिरा के नहीं विदा कीजिए, और अभी तो एक जन्म दिया है, हम तो जन्म जन्म इस धरती के ऋणी हैं। कहा गौस खां अमर शहीदी गाना हम गाएंगे ऋणी मही के जन्म जन्म हर जन्म में हम आएंगे। हम जब भी जन्म हुई धरती पर ए धरती के लिए अपन गला कटावत रह। एक कहना है और बाप आपके लिए, कहा गौस खां अंतिम इच्छा रानी यही हमार कभी गुलामी अंग्रेजों की करना मत स्वीकार झुके ना झांसी वाली रानी वतन के बिरवा। इस धरती के लिए हमने अपना गला दिया है अपना बलिदान दिया है तो रानी कभी भी इस धरती की मर्यादा घटने मत देना, कभी भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार मत करना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। कहें कि ये तेरी इच्छा पूरी की जाएगी। और बोलो जवान कहें कि एक काम और कर दिया कि वतन का रक्षा करे में हमसे एक भूल भैल बा ओके सुधार लिया कि अरे कहा गौस खान अरे मंदिर मस्जिद बनवा देना जिसे है हमने तोड़ा इतना कह रानी के गोद में प्राण गौस खां छोड़ा कायम रही है कहानी वतन पबीरावा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मरबा का स्वर्ग गए
चंद्रिका कवि बच्चन का बीजा पता का तलवार खून की प्यासी है मेरी, अरे शारदा रामदेव का रही है रखवार, तलवार खून की प्यासी है मेरी।